हे हाय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्मार्ट नेटवर्क में। तो आज आप लोगों के लिए मैं एक मोस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ वो बेल्टोन के जितने भी कर्मी है, ठीक है, जैसे कि बेल्टोन के डाटा इंटरप्रेटर, स्टेनोग्राफर, प्रोग्रामर, ठीक है, या फिर जो लोग बेल्टोन के कर्मी या फिर भविष्य में बेल्टोन के कर्मी बनने वाले हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के फ्रेंड्स, आपको इस इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इस इन्फॉर्मेशन में बताने वाला हूँ कि इस इन्फॉर्मेशन में बेल्टोन कर्मी के रजिस्ट्रेशन से लेकर, यानी कि अगर आप लोग बेल्टोन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेल्टोन के न्यू रजिस्ट्रेशन से लेकर एग्ज़ाम और ज्वाइनिंग तक, इसमें जो लंबा प्रोसेस है आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ यह प्रोसेस। और फ्रेंड्स, ये प्रोसेस जो है बहुत लंबा होने वाला है, ठीक है, ये प्रोसेस बहुत लंबा है फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको कोशिश करूँगा कि शॉर्ट में समझाने का, ठीक है। अगर आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन यानी बेल्टोन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस प्रोसेस के बारे में जानना बहुत बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, ताकि आपको बाद में चलकर कोई परेशानी ना हो। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस बेल्टोन के लेटर को यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये फ्रेंड्स पूरा प्रोसेस है एग्ज़ाम से लेकर आपका ज्वाइनिंग तक, क्या क्या प्रोसेस होता है पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी, वीडियो लंबी होने से बहुत सारे लोग पूरा वीडियो देखता नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे है, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड मैन पावर एजेंसी के माध्यम से सरकार के विभिन्न विभागों और कार्यालयों निगमों में अधिकारियों के विरुद्ध संविदा के आधार पर बेल्टोन डाटा इंटरप्रेटर की सेवा उपलब्ध कराता है। मेन पावर आपूर्ति जवाब रूप से जारी रखने हेतु बेल्टोन अभ्यर्थी का एक मूल तैयार किया जाता है, ठीक है, जिसके लिए बेल्टोन एक CBT जिसे हम लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं, परीक्षा ली जाती है, ठीक है। पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है फ्रेंड्स, उसके बाद जो है आपका जो CBT परीक्षा ली जाती है, उसके बाद CBT में आप क्वालिफाई हो जाओगे, उसके बाद यहाँ पे टाइपिंग ली जाती है, जो भी अभ्यर्थी CBT में पास कर जाते हैं यानी क्वालिफाई करने के बाद फ्रेंड्स आपको, तो मैं आपको बता दूँ क्वालिफाई करने के लिए आपको 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है, ठीक है, तभी आप CBT क्वालिफाई कर पाओगे। उसके बाद आपका टाइपिंग लिया जाता है हिंदी इंग्लिश दोनों में, सबसे पहले आपका इंग्लिश होता है 10 मिनट का, उसके बाद हिंदी आपका 10 मिनट का लिया जाता है। हिंदी का स्पीड टोटल आपका 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए आपका, उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टाइपिंग में जो क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे पैनल तैयार किया जाता है, जो भी यहाँ पे कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाते हैं टाइपिंग में, उसके बाद यहाँ पे एक पैनल तैयार किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पूल तैयार किया जाता है, पूल तैयार में इसके बाद डिप्लॉयमेंट मैनुअल तरीके से किया जाता था पहले, अब यहाँ पे ERP के थ्रू किया जाता है, ठीक है। ERP में 3 तरह की यहाँ पे आधार पर अभ्यर्थियों का अभिनियोजन किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहला है रजिस्ट्रेशन। फ्रेंड्स, अगर आपको ERP के बारे में नहीं पता है तो आप मेरे चैनल से उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे ERP के बारे पूरी जानकारी दी है उस वीडियो पे, या तो वो वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। ईयर मतलब आपके, आप कौन से ईयर में रजिस्ट्रेशन किए थे, कौन से ईयर में यानी कि आप एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 100 पॉइंट्स रिजर्वेशन रोस्टर, ठीक है, यानी कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे ले आता है। उसके बाद चॉइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आप जो पहले फर्स्ट प्रेफरेंस वहाँ पे डालोगे उसके हिसाब से आपका यहाँ पे नियुक्ति होगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, पंजीकरण वर्ष एवं पंजीकरण संख्या के आधार पर ERP सिस्टम में एक वेरिएबल EMP ID क्रिएट करता है, ठीक है। उसके उदाहरण के लिए यहाँ पे आपको KYC करना पड़ता है, ठीक है, KYC करने के बाद आपको यहाँ पे जो है KYC आपका वेरीफाई किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप
जब आपको मेरिट लिस्ट बन जाएगा उसके बाद आप लोगों का केवाईसी होगा। केवाईसी के लिए आपको एक लिंक आपको एसएमएस के माध्यम से शेयर किया जाएगा, या आप फिर ईआरपी के थ्रू आप केवाईसी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको केवाईसी करना पड़ेगा। केवाईसी करने के उपरांत केवाईसी मतलब कि फ्रेंड्स आपका बेसिक डिटेल दिया जाएगा कि आप अब बेल्टन के कर्मी होने वाले हैं। आपका जो है बेसिक डिटेल्स लिया जाएगा, जैसे कि आप कहाँ रहते हैं, आपका जाति क्या है, आपका निवास क्या है, आपके सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करना पड़ता है केवाईसी के समय, ठीक है। उसके बाद केवाईसी सत्यापन किया जाता है फ्रेंड्स। केवाईसी सत्यापन में 1-2 महीने लग जाता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कितने लोगों का यहाँ पे जो है कौन से ईयर का कितने लोग यहाँ पे बचे हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद नीचे आप लोग आएंगे तो उसके बाद यहाँ पे देखिए ईआरपी द्वारा उक्त विभिन्न वर्गों के पंजीकृत कराए हुए अभ्यर्थियों से पहले पंजीकरण कराए अभ्यर्थियों का वरीयता देते हुए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए 100 बिंदु आरक्षण रोस्टर के अनुसार यहाँ पे लोगों को लिया जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि ईआरपी के माध्यम से नियुक्ति की प्रक्रिया यहाँ पे निम्नलिखित है। सबसे पहला विभागों द्वारा ईआरपी सिस्टम में ऑनलाइन अधियाचना यानी ऑनलाइन यहाँ पे रिक्तियाँ भेजी जाती है। उसके बाद है फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है बेल्टन द्वारा अधियाचना को स्वीकृत करना यानी बेल्टन द्वारा अधियाचना को एक्सेप्ट करना, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ईआरपी के थ्रू 1-2 बिंदु पर बनाए गए लॉजिक के मुताबिक कैंडिडेट को एसएमएस के द्वारा ऑफर भेजना, ठीक है। यानी 1-2 मतलब कि रजिस्ट्रेशन ईयर आपका जो आप रजिस्ट्रेशन किए थे उसका जो ईयर होता है। उसके बाद यहाँ पे 100 पॉइंट रिजर्वेशन रोस्टर के साथ आपको यहाँ पे देखते हुए आपको एसएमएस के थ्रू ऑफर लेटर भेजा जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे जो है कैंडिडेट द्वारा ऑफर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना, ठीक है। अगर कैंडिडेट द्वारा ऑफर को रिजेक्ट किया जाता है यानी आपको जॉब के लिए ऑफर किया जाएगा ईआरपी के थ्रू, ठीक है, उसको आप रिजेक्ट कर देते हैं तो उसी कैटेगरी के अगले कैंडिडेट को वो ऑफर जाएगा, ठीक है, उस विभाग की तरफ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छठा नंबर में क्या है रिक्वेशन के विरुद्ध सभी के एक्सेप्टेंस के बाद मेन डोर द्वारा फिजिकल ऑफर लेना रिसीव करवाना। आपको फिजिकल लेटर लेने के लिए उर्मिला के पास पटना जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 7 नंबर में कि विभाग द्वारा सेवा वापस लौटाए जाने के बाद पुनः कैंडिडेट का केवाईसी करवाना एवं पुनः प्रतिनियुक्ति हेतु प्रविष्ट 1-6 दोहराना। यानी कि दोस्तों अगर आपको जिस विभाग में भेजा जाता है उस विभाग से अगर आपका सेवा वापस कर दिया जाता है तो आपका जो है फिर से केवाईसी किया जाएगा, ठीक से, ठीक है। फिर से आपको जो है केवाईसी करने के बाद आपको पैनल में जोड़ दिया जाएगा। फिर आपको विभाग के द्वारा जब आएगा ऑफर रिश्तियाँ आएगी तब आपको यहाँ पे फिर से ऑफर लेटर भेजा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कुल मिला के बात यही है कि आपको यहाँ पे केवाईसी फिर से करवाना पड़ेगा क्योंकि आपका जो है समझ लीजिए कि आपका जो विभाग पे था उस विभाग से आप अगर वापस कर दिया जाता है तो आप फिर से केवाईसी करेगी बिल्कुल, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको यहाँ बता दिया है और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। अभ्यर्थी से अनुरोध है कि अपने पासपोर्ट से संबंधित सूचना किसी को ना बताएं। इसका मतलब फ्रेंड्स अपने यूज़र आईडी और पासपोर्ट किसी को ना बताएं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है 2019 के कितने कैंडिडेट का केवाईसी वेरीफाई हो चुका था और कितने का रिजेक्ट हो चुका था, यहाँ पे लिखा हुआ है। इतना ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो क्या है। यहाँ पे आप नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नोट में। अभ्यर्थी को यह सूचित किया जाता है कि प्रतिनियुक्ति के संदर्भ में किसी भी दलाल बाहरी व्यक्ति के संपर्क में न आए। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी अवैध मांग की जाए तो नजदीकी थानों में सूचना दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप हेल्प डेस्क नंबर दिया हुआ है, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं।
ठीक है। तो आई होप कि फ्रेंड आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये लेटर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जो जाए मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स अगर अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इसी तरह से बेल्टन से रिलेटेड छोटी बड़ी अपडेट लेके आता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। क्लिक हियर टू सब्सक्राइब।